गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ एक स्पा पार्लर सैलून में। स्पा भी है, पार्लर भी है, सैलून भी है, सब कुछ है। और मेरे साथ जा रही है हाय मिस इवू मामू। इनको मेरे साथ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ सीखना है, तो एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं इनके ऊपर। इनको बाल कलर करना है तो मैं इनके बाल को कलर करूँगा। इसने जो रिस्क लिया है मेरे लिए, तो उसी का कंटेंट आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस स्पा पार्लर सैलून में मैं जा रहा हूँ उसका नाम है टॉप्सी यूनिसेक्स सैलून, जो कि है चंद्रा नगर में, ईटानगर के चंद्रा नगर में। और एंट्री है यहाँ से। अरे नर्वस, आप तो ऐसा रियल में बहुत बात करते हैं ना। अब जो अभी कैमरा आया तो मतलब आपको क्या हो गया? नर्वस हो रहा है। कैमरा का सामने शर्म होगा क्यों? इतना सुंदर लड़की को शर्म करना शोभा नहीं देता। तो ये है यूनिसेक्स स्पा सैलून इंस्टीट्यूट टॉप्सी। ओके ओके, हाय भाई, आपको हैंडसम लग रहा है। आपका नाम क्या है? ओके, तो आपका आपको आपका ये नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मज़ा लग रहा है ना? ओके, आप खुश है? और ठीक है दत्ता। ओके, तो ये अपने बाल कटवा रहे हैं। हाय, बाल कलरिंग कर रहे हैं? ओके, मुझे भी सिखाइए क्योंकि मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ साथ में। तो हाँ, तो उनका मतलब आज एक्सपेरिमेंटल होगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। और ऑब्वियसली इस स्पा सैलून पार्लर सब कुछ है ना, स्पा सैलून पार्लर टॉप्सी का मैं टूर आप लोग करवाऊँगा। ये एक इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ पे सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आज मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ यहाँ का। तो आज मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगा। अच्छा, हाय, यहाँ पे क्या क्या होता है? नेल्स का है ना? ओके ओके ओके, तो ओके, जो कस्टमर को जो चाहिए वो शेप मिल जाएगा। ओके, तो जब तक यहाँ के स्टाफ काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा हमारे इस सैलून की ऑनर से। तो ऑनर, अभी आप क्या कर रही हैं? वैसे मैंने पहली बार ये इतना यूनिक चीज़ देखा है। ये परमानेंट मेकअप कर रहा है। परमानेंट मेकअप, आईब्रो मेकअप। ओके, तो मतलब परमानेंट मेकअप बोलते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली है क्या मतलब? ये आईब्रोज को हम लोग परमानेंटली हम लोग मेकअप सुंदर से हम लोग मेकअप कर देते हैं ना। जी ओके, तो मतलब ये कितने ये मैं एक्चुअली पहले ऑलरेडी कर चुका है ना। ओके, तो इसका जस्ट टचअप के लिए आया हुआ है। ओके ओके, हम लोग का दो सेटिंग होते हैं ना। ओके, उसमें इसका फर्स्ट सेटिंग ऑलरेडी हो गया, ये दो सेटिंग एक्चुअली दो सेटिंग में सब कुछ ठीक होता है। ओके ओके, तो ये सेटिंग के लिए आया हुआ है, मतलब टचअप के लिए। ओके, तो कस्टमर को जिस शेप में आईब्रो चाहिए उस शेप में मिल जाएगा, बना देते हैं। ओके, तो ये कितने साल तक टिकता है? ये 3 साल 4 साल 5 साल, वैसे हम लोग को सिखाते समय तो 5 साल बोला था ना। 5 साल बोला था जी। ओके, तो उससे पहले अगर इनकेस किसी का फेड होता है हाँ, तो हम लोग उसको फ्री में टचअप कर देते। फ्री में कर देगा? ओके ओके, तो आपको, आप ऑलरेडी करवा चुकी हो, तो आपको कैसा लगा? आप सेटिस्फाइड हो? ये ना इतना पेन भी नहीं होता है ना। पेन भी नहीं होता है ना? पेन होता है? नहीं होता ना। ये ना एक्चुअली ये इतना पेनफुल नहीं है। हम एक्चुअली माइक्रो ब्लीडिंग भी कर चुके हैं जी, और टैटू भी होता है, लेकिन टैटू को तो आजकल गिनता भी नहीं है ना। नहीं गिनता भाई, लेकिन माइक्रो ब्लीडिंग कोई कोई मालूम नहीं हो कि माइक्रो ब्लीडिंग तो इसको बहुत कराता है। हाँ, लेकिन परमानेंट मेकअप जो माइक्रो ब्लीडिंग से थोड़ा अच्छा है। ओके, क्यों बोलने से ये परमानेंट मेकअप जो लास्टिंग भी है हाँ, हम लोग गारंटी देता है 3 इयर्स ऐसे का ना। ओके, तो उस बीच में अगर इनकेस थोड़ा फेड आउट होता है बोलने से भी हम लोग उसको टचअप फ्री में टचअप कर देते हैं ना। ओके, और माइक्रो ब्लीडिंग का ऐसा होता है कि 3 मंथ्स
सिक्स मंथ्स ऐसे में फेड आउट हो जाता है तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना तो लोग मतलब प्राइस को भी लेके उन लोग थोड़ा सा चीप है सोच के उसमें जाता है लेकिन वो लोग रात में घूम के मेरा इसमें आ जाता है यहाँ में अच्छे से करता है बोलते है ना ऐसा बोल के उन लोग आ जाते हैं ना लेकिन ऐसा थोड़ा तकलीफ होता है वो जो ऑलरेडी माइक्रो ब्रीथिंग कर चुका है ना तो फर्स्ट टाइम में जिसको अगर करवाना है तो ये वाला करवाने से ज्यादा अच्छा रहेगा ना फ्रेश में करने से बहुत सुंदर से होता है ओके आप डेली कस्टमर है ना यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आपको ऐसा सर्विस करा के कैसा लगता है अच्छा लगता है हमेशा आता है ओके ओके तो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी आते हैं मतलब मैंने जहाँ पे अभी तक जितना भी टूर किया है देखा है कि सभी लोग यहाँ पे आते हैं कोई बाल कलर करवाते हैं कोई पेडिक्योर करवाते हैं तो यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं सभी सेटिस्फाइड लग रहे हैं मुझे जो कि अच्छी बात है अच्छा ये पेडिक्योर करने का क्या क्या फ़ायदा होता है हटा देता है और इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा साफ भी रहेगा ना ये क्या है ओके ओके स्क्रब है ओके ये रब स्किन को सॉफ्ट करने के लिए और डेड सेल को हटाने के लिए ओके हाँ ठीक है और ये अनिल कपूर के पैर तो 15 मिनट रखने के बाद तो गाइस यहाँ का जो सर्विस है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो अपसी सैलून का जो इंस्टाग्राम डिटेल्स है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं नंबर सभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से जाके इनके पेज को फॉलो कर सकते हो आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो डायरेक्ट भी आ सकते हो और आपको जो सर्विस है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा चाहे वो मैनीक्योर का हो पेडिक्योर का हो हेयर कलर हेयर स्पा कुछ भी मतलब कुछ भी बॉडी मसाज कुछ भी आपको करवाना है ज़रूर विजिट करना है यहाँ पे सर आपको पेडिक्योर करके कैसा लग रहा है पेडिक्योर करके बहुत अच्छा लग रहा है अभी आई जस्ट थॉट कि पैर यहाँ पे मैं क्लीन करूँगा बट क्लीन नहीं होता है बस यहाँ पे आपको बहुत रिलैक्सेशन भी मिलेगा क्योंकि आपका जो पैर की मतलब जो प्रेशर पॉइंट होता है ना वो आपके पैरों में होता है तो आपका पैर जितना क्लीन रहेगा साफ रहेगा और डेड स्किन सेल्स को हटाया जाएगा और थोड़ा बहुत मसाज भी मिल रहा है तो उससे और क्या हो रहा है कि मेंटली पीस मिल रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसीलिए ये मेरा सेकेंड टाइम है तो मैं हर मंथ में एक बार तो आऊँगा जरूर और अभी मेरे पैर भी सिंड्रेला के पैर जैसे हो गए बहुत खूबसूरत हो गया एकदम तो गाइस अभी मैं अपना जॉब करने जा रहा हूँ मैं जो मेरे साथ फ्रेंड आई है मामू तो उनका मैं बाल कलर करूँगा तो फॉर्मेलिटीज़ को मेंटेन करते हुए अभी मैं पहनूँगा ये टॉपसी सैलून का टॉपसी पार्लर का टॉपसी स्पा का टी शर्ट तो गाइस आई एम डन तो अभी मैं मामू का हेयर कलर्स करने जाऊँगा चलो तो मामू आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए तो मैडम आपको कौन सा कलर करवाना है पर्पल तो पर्पल कलर पूरा पूरे बालों का पर्पल कलर किया जाएगा तो ये एक्सपर्ट यहाँ पे है तो मैं एक्सपर्ट से मदद लूँगा मैं कलर करूँगा हम दोनों मिलके करेंगे तो गैस ऐसे क्लिप लगाया जाता है क्योंकि जो अब जब हम कलर करेंगे तब पूरा ऊपर से नहीं करेंगे क्योंकि जब ऊपर से करते हैं तब थोड़ा सा फेड आउट जब होता है ना तब अच्छा नहीं लगता है इसलिए थोड़ा ये वाला पोर्शन को हम लोग करेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्लिप लगाया गया है तो उसको भी हम स्मार्ट बोन के साथ प्री लाइटिंग करेंगे ताकि जो इनका बाल है वो डैमेज ना हो पहला नशा पहला स्पेशल कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट तो इसलिए हम चारों लोग मिलकर कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी भी हो जाए और एकदम मतलब ऐसा कलर बाल में लग जाए कि मतलब इतना सुंदर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए
तो साइड का हमने कर लिया है, अभी उसका करेंगे। तो गाइस हमने हेयर कटिंग, हेयर कलर, नेल एक्सटेंशन, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कुछ देख लिया है, परमानेंट आईब्रो मेकअप का भी देख लिया है, तो प्रीटी मच सब कुछ देख लिया है। और तो कुछ नहीं है ना, इतना है। ओके ओके, फेशियल भी यही पे होता है। ओके तो इतना बड़ा है ये ना? अरे ऊपर बाहर से तो बहुत छोटा लगता है। तो ओके फेशियल रूम है। ओके तो फेशियल यहाँ पे होता है ना? जी फेशियल यहाँ पे। ओके और ये ड्राई स्पा, तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली? ऑयल नहीं लगा के ना, हाँ इसमें ड्राई मसाज होता है। ओके ड्राई मसाज होता है, थाई मसाज भी बोलते हैं। ओके थाई मसाज भी बोलते हैं ना? थाई मसाज होता है। ओके थाई ट्रेडिशनल मसाज भी बोलते हैं जी। ये भी आपका फेशियल, ये भी फेशियल का है ना? ये ऑयल स्पा, ओके डीप टिश्यू होगा और अरोमा, हाँ स्वेडिश। ओके तो ये ऑयल स्पा, डीप टिश्यू होगा यहाँ पे, अरोमा स्वेडिश होगा। और एक बात तो मानना पड़ेगा, आप लोगों ने काफ़ी हाइजीन मेंटेन कर रखा है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये ओके ये भी स्पा है। ओके गाइस मैं आज ही ईटानगर जर्नी करके आया था, तो मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं ड्राई मसाज लेना चाहूँगा, एकदम कड़क मसाज, ताकि मैं आप लोग के लिए आगे जाके और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना पाऊँ। एक्चुअली गाइस मैंने आप लोगों को बताया नहीं, कभी नहीं बताया किसी भी व्लॉग में शायद, कि मेरे बैग में हर 3 महीने में एक प्रॉब्लम निकलता है, तो मेरे लिए ये जो थेरेपी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सिस्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो और अच्छे से हो रहा है, मतलब तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हो गया ना? थैंक यू सो मच। आई मस्ट से अभी काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि जो एक वो था ना कम, जो कुछ अटका हुआ सा लग रहा था बॉडी में, वो एकदम लचीला हो गया अभी, मतलब फ्री हो गया ऐसा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सिस्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप लोग भी अगर आप लोग के बैक में प्रॉब्लम है या फिर आप लोग को कुछ भी रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप भी यहाँ पे ये मसाज करा सकते हो। एक्चुअली जो मैंने अभी करवाया ये 10 मिनट का होता है, और भी ऑयल में ऑयल लगा के भी करते हैं, उसमें करीब 2 घंटे लग जाते हैं, तब आप वो भी करवा सकते हो। और गाइस अगर मुझे रेटिंग देना होता इस स्पा का, इस यूनिसेक्स सैलून का, तो मैं 5 में से 5 स्टार्स ही देता, मुझे बहुत अच्छा लगा सर्विस इनका। तो अभी बैक टू मामूंग्स हेयर कलर। उससे पहले इस स्पा में कमाल का फेशियल भी होता है, आप अपने स्किन में मेजर डिफरेंस देख पाओगे, आपका स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड आपका जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाएगा, आपका चेहरा बिल्कुल भी डल नहीं दिखेगा, चेहरे से गंदगी और ब्लैक हेड्स साफ हो जाएगा। मेरा 2 दीदी है ना, वो जो
तो गाइस फेशियल कराने के बाद मेरा स्किन इज लुकिंग वेरी फ्रेश। और गाइस मैं फिलहाल जिस रूम में हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाया जाएगा बहुत जल्द, ताकि यहाँ पे भी बालों का सर्विस दे सकें। और गाइस यहाँ पे पर्पल कलर के साथ साथ पिंक हाइलाइट किया जा रहा है। और गाइस देखने में सिंपल लगता होगा बट एक्चुअली जो ये लोग कर रहे हैं वो हेयर कलर भी नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब में। मेरे हिसाब में ये एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसी के हाथ में मैंने सौंप दिया है, क्योंकि इनका लाइफ का पहला है हेयर कलर है। तो मैं इनके बालों के साथ इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने एक्सपर्ट के हाथों सौंप दिया है। और ये लोग काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करते हैं, तो इसीलिए काबिले तारीफ़ है। अभी आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा कुछ ही देर में, कलरिंग क्या है। तो फाइनली इट्स डन। तो अभी 30 मिनट्स के लिए, 25 to 30 मिनट्स के लिए रखा जाएगा इनके बालों को ऐसे ही। उसके बाद मैं अभी से देख पा रहा हूँ, अभी से फील कर पा रहा हूँ, शी इज़ गोना लुक मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो बिग शाउट आउट टू टॉप्सी सैलून यूनिसेक्स स्पा इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैंने मेरा जो मसाज जो थेरेपी था वो भी बहुत बढ़िया था, और जो पेडिक्योर था वो भी बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे जितने भी काम करते हैं सब भी बहुत ही प्रोफेशनल है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिग शाउट आउट टू दिस टॉप्सी सैलून, आप लोग ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा, चंद्रनगर ईटानगर में है और मेरे घर के तो काफ़ी पास में है, तो मैं यहाँ तो बार बार आता रहूँगा अभी से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर विजिट करना। देखो पहचान में नहीं रहा, मिस इंडिया से नहीं लग रहा क्या? बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र ना लगे। शी इज ब्लशिंग, अब ब्लश कर रहे क्या? वाह हीरोइन, वाह। ओके तो भैया जी भी इतना सेटिस्फाइड हो गए कि भैया अभी खुद कलर करके खुद इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ओके ओके, दीदी ने भी किया है। तो प्रिंसेस चलिए चलते हैं, अभी हम बिलिंग कर लेते हैं। आपको सर्विस कैसा लगा है? बहुत अच्छा था, सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके दोनों को भी थैंक यू सो मच ना विजिट करने के तौर पे, हमें से देखता है लेकिन मिल नहीं पाता है ना। ओके आप सब सेटिस्फाइड हो, थैंक यू सो मच। हम भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। अब प्लीज मतलब दिल से बोल रहा हूँ कि मैं दिल से शाउट आउट करना चाहता हूँ इस सैलून को, तो प्लीज आप एक बार ऑडियंस को बुलाइए ना। हाँ ओके, हाय गाइस, ये टॉप्सी सैलून है, चंद्रनगर में है, ईटानगर में, ये आपका मेन डेली मार्केट के सामने में है। ये एक्चुअली सैलून जो है बच्चा से लेके बूढ़ा बूढ़ी तक हर किसी के लिए खोला है, तो आप लोग जब भी टायर्ड फील करता है तो यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए आ जाइएगा। और किसी का कुछ भी बॉडी पेन होता है उसके लिए भी स्पा है, बच्चा तक ये हेयर कट है, सब कुछ फैसिलिटी आप लोग को देखे रखा हुआ है, प्लीज़ आके एंजॉय कीजिए आप लोग। ना इसका आप लोग बहुत एक्सपर्ट है, जैसे कि मैंने बोला है बहुत सेटिस्फाई है सर्विस से, तो उससे और अलग अलग कलर भी बातें कर सकेगा। और मतलब जैसे आप चाहिए क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन, तो उसी से नहीं आपको दे सकते हैं, हम ये आपको प्रॉमिस करते हैं। तो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और बस ऐसे वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, आप खुद एक बार यहाँ पे आके देखिए, बार बार आने का मन करेगा। और एग्जाम्पल तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से कलर किया है। गाइस तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग खत्म होता है, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी इतना अच्छा सर्विस के लिए। तो मैं अभी से हर महीने तो एक बार तो कम से कम आऊँगा, और इनका बाल कलर देख के ना थोड़ा लालची हो रहा है, तो मैं भी शायद करवाऊँगा कुछ दिनों के बाद। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग खत्म होता है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।